हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक चैंपियन किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इनकमिंग कॉल तो आप सभी के मोबाइल फोन पर रोज आती ही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इनकमिंग कॉल की 10 खुफिया सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। यदि आप अपने मोबाइल फोन पर किसी से बात करते हैं या दोस्तों आपके पास आपकी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है तो आपको इन 10 खुफिया सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में पता होना ही चाहिए। यदि आप इन 10 सीक्रेट सेटिंग्स को जान जाएंगे तो आप जब किसी की कॉल उठाएंगे तो आपको कॉल को उठाने में एक अलग ही मजा आएगा और दोस्तों कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, उससे पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों जैसे कोई आपका गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, आप अपनी गर्लफ्रेंड की कॉल खोलना चाहते हैं ना, तो आपको इन 10 सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में बिल्कुल पता होना ही चाहिए। यदि आप इन सीक्रेट सेटिंग्स को अपने मोबाइल फोन के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, आपकी प्राइवेसी को लेकर है ये वीडियो। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको इनकमिंग कॉल की सबसे फर्स्ट नंबर की ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं कि इस ट्रिक का काम क्या है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और आपके पास कॉल करती है या आपका कोई बॉयफ्रेंड है वो कॉल करता है और दोस्तों क्या होता है, वो आपको कभी कोई ऐसी बात बोल देता है जो आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों वो आपके मोबाइल फोन के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, यदि आप उस ट्रिक को अपने मोबाइल फोन के अंदर अप्लाई करके रखेंगे तो जब भी दोस्तों किसी की कॉल आएगी, ठीक है, या दोस्तों आप किसी के पास कॉल करेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग दोस्तों ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, वो दोस्तों कैसे आपको इस्तेमाल करना है सबसे फर्स्ट नंबर की ट्रिक का, आपको दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिलेगा सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिलेगा ऑटो रिकॉर्ड कॉल, ठीक है, इस सेटिंग को दोस्तों आपको यहाँ पर ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद अब दोस्तों जब भी आप किसी से बात करेंगे अपनी गर्लफ्रेंड से और या किसी की आपके पास कॉल आएगी तो उसकी कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होने लगेगी, जिससे आप बाद में उन रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं और किसी भी बंदे की कॉल खोल कर रख सकते हैं। दोस्तों इस ट्रिक के लिए लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब दोस्तों मैं आपको इनकमिंग कॉल की सेकेंड नंबर की ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक का काम क्या है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल फोन पर कोई भी अनकनाउन नंबर दोस्तों कॉल करने लगता है, आपको पता नहीं है उसके बारे में कि ये बंदा कहाँ का है, ठीक है, तो आप अपनी सेकंड नंबर की ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर। वो दोस्तों कैसे करना है ध्यान से देखना, आपको दोस्तों फिर से यहीं पर आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अनकनाउन नंबर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस सेटिंग को दोस्तों आपको यहाँ पर ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आइडेंटिफाई अनकनाउन नंबर फॉर कॉल एंड मैसेज, ठीक है। अब दोस्तों जो आपके मोबाइल फोन के अंदर जो उस किसी का भी दोस्तों नंबर सेव नहीं है ना, और वो आपके पास कोई मैसेज करेगा या कॉल करेगा ना, तो क्या होगा, आपका मोबाइल फोन है उसके नंबर को आइडेंटिफाई कर देगा कि इसका नाम ये है, ठीक है, ये बंदा आपके पास कॉल कर रहा है। दोस्तों ये है सेकेंड नंबर की ट्रिक, इसको भी आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर ऑन करके रखना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इनकमिंग कॉल की थर्ड नंबर की ट्रिक के बारे में कि इस ट्रिक का काम क्या है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है आपके पास कॉल करने लगती है और आप अपने मोबाइल फोन में यूट्यूब चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं और दोस्तों उसकी कॉल एकदम से आने लगती है, ठीक है, वो दोस्तों आपको सबसे पहले कॉल उठानी ही पड़ेगी, नहीं तो आपकी यूट्यूब सब बंद हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको इनकमिंग कॉल की ये वाली सेटिंग बताऊंगा ना, इस ट्रिक को लगाकर दोस्तों जो आपकी डिस्प्ले है वो दोस्तों यहाँ पर आएगी इनकमिंग कॉल, ठीक है, जिससे दोस्तों क्या होगा उसकी कॉल को आप आसानी से ऊपर की साइड ही उठा सकते हैं और या उसको काट भी सकते हैं। वो दोस्तों कैसे करना है, कॉलर आईडी डिस्प्ले पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फुल स्क्रीन पॉपअप विंडो, ठीक है, ये आपके मोबाइल फोन के अंदर यहाँ पर इस तरीके से होगी फुल स्क्रीन पर, ठीक है, इसको आपको यहाँ पर पॉपअप विंडो पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों किसी की आपके पास इनकमिंग कॉल आएगी तो आप उसको यहाँ से काट भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं, ठीक है। यदि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर उस टाइम कुछ भी देख रहे थे वो दोस्तों बंद नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरीके से आप थर्ड नंबर की ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इनकमिंग कॉल की सेटिंग में, ठीक है। दोस्तों ये थी थर्ड नंबर की ट्रिक, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ चार नंबर की ट्रिक, इस ट्रिक का काम क्या है ध्यान से देखना। दोस्तों इस ट्रिक की मदद से आप अपने फिंगरप्रिंट को लगाकर किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। वो दोस्तों कैसे करना है अब ध्यान से देखना, आपको दोस्तों यहीं पर आना है सेटिंग के ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन देखने मिलेगा एडवांस का, इस पर क्लिक करना है।
यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन देखने मिलेगा, रिकॉर्ड कॉल यूजिंग फिंगरप्रिंट। अब दोस्तों इसका का मतलब क्या है, जैसे आपके पास किसी की कॉल आई, ठीक है, और आप चाहते हैं कि उसकी कॉल को रिकॉर्ड करना, तो आपको दोस्तों करना क्या है, अपने फिंगर को अपनी यहाँ पर फिंगरप्रिंट पर लगा देना है, उसकी कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होने लगेगी इस सेटिंग को ऑन करने के बाद। ठीक है, आपको सिर्फ फिंगरप्रिंट लगाना है, उसकी कॉल ऑटोमेटिक आपके मोबाइल फोन के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये है दोस्तों चार नंबर की ट्रिक। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ पांच नंबर की ट्रिक, इसका काम क्या है ध्यान से देखना। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे आप के पास किसी की कॉल आई, ठीक है, कोई आपका रिश्तेदार है या कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आप दोस्तों कहीं बाइक पर जा रहे हैं, उसकी कॉल आ गई, आपने उससे बात करी और आप उसकी कॉल को यहाँ से काटना भूल जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों वो बंदा आपकी सारी बात सुन लेता है कि ये बंदा किससे बात करता है, ठीक है, वो दोस्तों सब आपकी कॉल खोल कर रख देता है। अब मैं आपको दोस्तों एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, यदि आप उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो आप अपने मोबाइल फोन के पावर बटन से ही आपकी जो कॉल है ना उसको दोस्तों काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होगा, सिर्फ आपको उसके पावर बटन को एक बार दबाना है अपने मोबाइल फोन से, उसकी कॉल ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, जिससे आपकी कॉल खुलने से बच जाएगी। और दोस्तों अब कैसे करेंगे देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर आना है, सेटिंग पर आना है, एडवांस सेटिंग में आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पावर बटन एंड कॉल। अब दोस्तों जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको आपकी जो बात है पूरी खत्म हो चुकी है, तो आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फोन को जेब में डालने से पहले एक बार अपने मोबाइल फोन के पावर बटन को दबा देना है, उसकी कॉल ऑटोमेटिक कट जाएगी, जिससे आपकी कॉल खुलने से बच जाएगी। दोस्तों इस ट्रिक के लिए भी लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सिक्स नंबर की ट्रिक, अब इसका काम क्या है। दोस्तों अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे आप किसी से भी बात करने लगते हैं, आपको पता ही नहीं है कितना टाइम हो गया है, एक एक घंटा हो जाता है, दो दो घंटे हो जाते हैं, और आपको पता ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना, यदि आप उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे अपनी इनकमिंग कॉल की सेटिंग में, तो आपका जो मोबाइल फोन है 20 मिनट पर, ठीक है दोस्तों, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको 20 मिनट हो चुकी हैं बात करते वक्त। ठीक है, तो आप अपनी कॉल को पता लगा सकते हैं कि मैंने इस बंदे से कितनी मिनट तक बात कर ली है। ठीक है, तो इस ट्रिक के लिए भी दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड नंबर की ट्रिक, अब इस ट्रिक का काम क्या है अब ध्यान से देखना। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, और दोस्तों बात करते टाइम आपकी जो बैकग्राउंड की आवाज़ है वो आपकी गर्लफ्रेंड के पास जाती है, उसके पास आवाज़ सही से नहीं जाती है। अब दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर इनकमिंग कॉल की सेटिंग में ये वाली ट्रिक को अप्लाई करके रखेंगे, तो आपकी जो बैकग्राउंड की आवाज़ है ना दोस्तों उसके कानों में नहीं जाएगी, उसके आवाज़ बिल्कुल साफ जाएगी इस सेटिंग को ऑन करने के बाद। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो योर बैकग्राउंड नॉइज ड्यूरिंग कॉल्स, ठीक है, अब किसी से भी आप बात करेंगे आपकी जो बैकग्राउंड की आवाज़ है ना उसके पास नहीं जाएगी, जिससे आप आसानी से बात कर सकते हैं, आपको इस सेटिंग को ऑन कर लेना है दोस्तों। ठीक है, इस ट्रिक के लिए दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड नंबर की ट्रिक, अब इसका मतलब क्या है ध्यान से देखना। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे दोस्तों आपके पास किसी की कॉल आ गई, आप कहीं मीटिंग में बैठे हैं या कोई ऐसी गर्लफ्रेंड के पास बैठे हैं जिससे आप उसकी कॉल को नहीं उठाना चाहते, उसको पता नहीं लगना देना चाहते, तो आप इस ट्रिक का दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर आना है एडवांस सेटिंग में, यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन देखने मिला फ्लिप म्यूट का, ठीक है, इस सेटिंग को ऑन कर लेना है। अब दोस्तों जैसे आपके पास किसी की कॉल आई, ठीक है, और आप चाहते हैं कि किसी भी बंदे को पता ना चले कि मेरे पास किसी दूसरे बंदे की कॉल आ रही है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फोन को इस तरीके से यहाँ पर फ्लिप कर देना है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों किसी की भी कॉल आएगी ना तो वो दोस्तों ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएगी, जिससे आपकी कॉल खुलने से बच जाएगी दोस्तों। ठीक है, इस ट्रिक के लिए दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सेकेंड नंबर की ट्रिक, इस ट्रिक का काम क्या है। दोस्तों आप इस ट्रिक की मदद से अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन को बंद कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप अपने मोबाइल फोन को कान पर लगाएंगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ठीक है, जब कान से हटाओगे तो ऑटोमेटिक जल जाएगी। आपको दोस्तों करना क्या है, फिर से यहीं पर आना है एडवांस सेटिंग में, यहाँ पर एक ऑप्शन है राइज टू ईयर, इस सेटिंग को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद जब भी आप अपने मोबाइल फोन को कान पर लगाएंगे बात करते टाइम, तो आपकी जो है ना स्क्रीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस ट्रिक के लिए दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड नंबर की ट्रिक, अब ध्यान से देखना। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे आप कहीं बाइक पर जा रहे हो, ठीक है, और आपने अपने मोबाइल फोन को कहीं स्टैंड पर लगा रखा है, ठीक है, और आपकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ गई या किसी की भी कॉल आ गई, आपको दोस्तों उठाने का टाइम नहीं है, इस तरीके से आपके हाथ कहीं पर हैं
तो आपको दोस्तों करना क्या है, इस वाली सेटिंग को अप्लाई करके रखना है अपनी इनकमिंग कॉल की सेटिंग में। आपको दोस्तों अपने फिंगर को दो बार दिखाना है, उसकी कॉल ऑटोमेटिक ओके हो जाएगी। आपको यहाँ पर आना है, एडवांस सेटिंग में आना है, यहाँ पर आंसर कॉल विद गेस्चर इसको ऑन कर लेना है। यदि आप इस सेटिंग को ऑन कर देंगे ना, ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा, जब भी आप अपने मोबाइल फोन की साइड पर इस तरीके से दिखाएंगे तो उसकी कॉल ऑटोमेटिक ओके हो जाएगी। और दोस्तों यदि आप 5 बार इस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से अपने मोबाइल फोन की साइड को, उसकी कॉल ऑटोमेटिक कट जाएगी दोस्तों, जिससे आप अपने इनकमिंग कॉल को और अच्छे से यूज कर सकते हैं। आप एक VIP बंदे बन सकते हैं इन 10 टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखने के बाद। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है ना आपको, तो वीडियो को 1,300 लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 1,300 कमेंट भी दोस्तों जरूर करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका दिन शुभ।